मॉडुलस एक इस चीज़ पे हमेशा से ही फोकस करता है कि भाई आपको जे एडवांस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आईआईटी जाने के लिए आपको जे एडवांस में अच्छा स्कोर करना है। मतलब हम कभी भी बच्चों को ये नहीं बोलेंगे भाई आप जेई मेन के लिए आप एनसीईआरटी रट्टा मार लीजिएगा, आप जेई मेन अच्छा कर लीजिएगा। और उसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल है वो है हार्दिक भारती, जिन्होंने पिछले साल जेई मेन में 412 और जे एडवांस में 416 रैंक ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी में स्कोर किया। तो मैं हार्दिक से चाहूँगा कि हार्दिक आप भी अपनी जर्नी के बारे में प्लीज़ थोड़ा बताएँ। हेलो, मेरा नाम हार्दिक है एंड मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर में हूँ एंड मेरे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है यहाँ पर आईआईटी दिल्ली में। तो मैंने जेई एडवांस 2023 का एग्ज़ाम दिया था और उससे मेरा फिर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ। जेई की तैयारी मैंने पूरे 2 साल मॉड्यूलस से करी थी 11th 12th, एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। अच्छा मतलब आपको खुद से मेहनत तो करनी पड़ती है, पर साथ में अगर आपको टीचर्स ऐसे मिल जाए, सपोर्टिंग मिल जाए, तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। आपको सिर्फ अपना एफर्ट डालना है, तो आप सिर्फ अपना एफर्ट और कंसिस्टेंसी से आपका बहुत ईजिली जेई निकल जाता है, काफ़ी आराम से निकलता था। मतलब कितना कई लोग बाहर जाते हैं सिटी के बाहर, तो पर मेरे को यहाँ पर सिर्फ सिटी के अंदर ही मिलता। मॉडुलस एकदम परफेक्ट जगह थी मेरे लिए, जो मेरे लिए सिटी के अंदर थी, घर के पास थी, एंड एवरीथिंग वो सूटेबल फॉर मी। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था जेई का भी, बिल्कुल एकदम स्मूथली निकल गया था। आपको स्मूथली मतलब ये नहीं है कि आपको एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे, एफर्ट आपको पूरा 100% डालना पड़ेगा। बस ये तो आप 2 साल आराम से मेहनत कर लो, फिर उसके बाद जेई के बाद आपको जैसे एक आईआईटी में एडमिशन मिलेगा तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। फिर मेरे यहाँ पर जैसे आईआईटी में एडमिशन मिला तो यहाँ पर एक्सपोजर भी काफ़ी मिलता है। अब जेई में कई चीज़ें जो नहीं कर पाते, तो देन यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव नेवर डन बिफोर इन जेई एग्ज़ाम। तो यहाँ पर कॉलेज में आके काफ़ी एक्सपोजर मिलता है एंड काफ़ी चीज़ें करने को ट्राई मिलता है। तो मैं यहाँ पर फुटबॉल भी काफ़ी ट्राई करा, स्पोर्ट्स में काफ़ी ट्राई करा है, एंड और भी चीज़ें वर्कशॉप वगैरह होती है, तो एवरीथिंग यू विल डू इन हेयर। सो काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर, तो आपको बहुत अच्छा सफ़र रहा मेरा जेई से यहाँ पर आईआईटी में। तो हार्दिक, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जैसे 416 रैंक थी एडवांस में, तो क्या थोड़ा और करते तो और बेटर आ सकती थी? मैं मतलब एक आपके जो कुछ गिले शिकवे रह सकते थे अगर लाइफ में, तो वो पूछना चाह रहा हूँ कि आप अगर 2 डिजिट का सोचते तो आपकी ऐसी क्या गलतियाँ रही होगी जिनके कारण आप और बेटर कर सकते थे? तो मेरी गलतियाँ ऐसी नहीं रही, ऐसा होता है कि आप अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन पेपर करने का जो टाइम होता है उसमें अगर आप जो आपने पूरी तैयारी करी उसका 100% आप पेपर में भी आप अपना यूज़ कर रहे हो तो वो ठीक है जाता है। लेकिन अगर आप एफर्ट डालने के बाद अगर पेपर हल्का फुल्का नीचे चला गया तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो आपको गिल्टी वगैरह कोई फील नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सही बात है, अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। पेपर के अंदर जो रैंक का 300-400 का जो गेम है वो मेरे हिसाब से एग्जीक्यूशन का गेम है आपका, बहुत अच्छा आंसर है भी। इसके अंदर अपन सोचें कि 2 साल में अपन ने मेहनत करी या उनसे कुछ होता, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपने वहाँ पे पेपर के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड या वहाँ पे आपने अपना एग्जीक्यूशन किस प्रकार का रखा, तो उससे आपकी रैंक और इम्प्रूव हो सकती है। ये मैं उन बच्चों के लिए कहना चाह रहा था, इसलिए पूछा गया है, ताकि आप अगर और बेटर करना चाह रहा है कोई बच्चा या किस तरीके से वो सिंगल डिजिट या 2 डिजिट रैंक तक पहुँचने की कोशिश करता है, तो एग्जीक्यूशन मैटर करता है रादर देन मेहनत। मेहनत से एक लिमिट तक पहुंचा जाता है, उसके बाद पेपर में आप अच्छा करना पड़ता है ना। दूसरा मैं ये कहूँगा, क्या ये वर्थ इट है कि इतनी तैयारी करके या इतनी मेहनत करके कौन सी जगह पहुंचे, तो वर्थ इट है या कैसा लगता है आपको कि भाई इस मेहनत का फल अच्छा है? या सर बिल्कुल वर्थ इट है, मतलब हमेशा से ड्रीम रहता है कि आईआईटी दिल्ली में जाना, क्योंकि घर के पास है एंड बेस्ट कॉलेज है आईआईटी है, तो एकदम परफेक्ट वर्थ इट लगता है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होता, हमेशा बहुत ही खुश प्राउड महसूस हुआ है। और अच्छी चीज़ है, मतलब इसको कोई ये सोचा जाए भाई, एक दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो ये सोच लेते हैं कि हमारे दिल को मिलता है, हम तो अपने लोकल कॉलेज में पढ़ लेंगे, कहाँ बाहर जाना, तो वो चीज़ नहीं है। आईआईटीज में इनमें आना एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है। ये 4 साल जो लाइफ के होते हैं ये इतने मेमोरेबल होते हैं कि आपको जिंदगी भर याद आते हैं कि हमने वहाँ पे क्या लाइफ जी थी।